सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की कुरफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं यार, सबसे पहले पुराने पोल को लेकर सवाल था कि आप भैया अपने फोन को कौन से मोड पे रखते हैं सबसे ज्यादा। तो आप वैसे बोला 62% ने भैया हमारा फोन होता है हमेशा रिंगिंग पे, 26% है वाइब्रेशन वाले और सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो अपने फोन को रखते हैं साइलेंट। वैसे मेरा मोस्टली वाइब्रेट और साइलेंट के बीच में रहता है। दोस्तों यहाँ पे वैसे आज का सवाल आपके लिए ये है कि अभी अपकमिंग भैया कुछ फोन्स आने वाले हैं, आप ज़्यादा एक्साइटेड अंदर से कौन से फ़ोन के लिए हैं भैया? क्या वो रियलमी 6 और 6 प्रो है या फिर रेडमी नोट 9 और नोट 9 प्रो है? मुझे बताना ज़रूर क्या है अपने मन की बात ऊपर दिए गए पोल में और नीचे कॉमेंट्स में। और हमेशा की तरह हर बार की तरह दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियोज़ को सीधा लाइक करते रहिए। दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेकर निकल के है Vivo V19 को लेके। ये दोस्तों यहां पे लॉन्च होने वाला है 10 मार्च को, जहां पे होगा भैया एक पंच होल कैमरा। इसके अलावा दोस्तों यहां पे 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा होने वाला है, साथ में 32 प्लस 48 भी भैया को चल रही है यहां पे गिनती कैमरा को लेके। हालांकि यहां पे फिलहाल ये लॉन्च होने वाला है इंडोनेशिया में और लगता है कि ये जल्दी ही इंडिया में भी आएगा। अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि बाकी कहानी क्या होती है इसी Vivo V19 स्मार्टफोन की। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है Realme 6 Pro को लेके। तो भैया बातें बहुत सारी क्लियर हो गई हैं। पहली बात तो दोस्तों ये कि जो फोन है वो आ रहा है 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा के साथ में। दूसरी बात दोस्तों यहां पे होगा भैया पंच होल वाला हमारा डिस्प्ले, और जो डिस्प्ले है वो आएगा 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में, हो सकता है 120 भी हो जाए। और यहाँ पर दोस्तों फिलहाल ये गीक बेंच पे लीक हुआ है, जहाँ पे मालूम चलता है कि इसमें एक 8GB रैम वेरियंट वाला जो है ऑप्शन वो भी हमको मिलेगा, और यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो होगा Snapdragon 720G। तो मतलब बहुत सारी बातें भैया हुई हैं कंफर्म इसी Realme 6 फोन के लिए, साथ में 6 Pro भी है। तो देखते हैं एग्जैक्टली कि Realme किस कीमत पे लेके आते हैं इन फोन्स को जब ये होते हैं लॉन्च इंडिया में 5 मार्च को। अगला उसमें अभी अपडेट निकल के आता है भैया Apple को लेके, जहाँ पे Apple जो है वो इंडिया में अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू करने वाला है इसी साल। और ऐसे में दोस्तों अगले साल जो है वो Apple अपना एक फिजिकल स्टोर ओपन करेगा इंडिया में। यहाँ पर दोस्तों जो CEO है मिस्टर टिम कुक, उन्होंने रिवील कर दिया है, और यहाँ पे जो ऑनलाइन स्टोर है वो इसी साल तीसरे क्वार्टर तक जो है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि जो भी नए आईफोन्स आएंगे सितंबर के महीने में, तब तक शायद हम देखेंगे एप्पल जो है वो अपने ही ऑनलाइन स्टोर पे उन फोन्स को बेचेगा। अभी देखते हैं ऐसे में कि वो जो फिजिकल स्टोर है वो आखिर कैसा होता है और इंडिया में कौन से शहर में शुरू होता है। वैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि ये मुंबई में होगा। बात दोस्तों करते हैं अगले अपडेट को लेके। तो सैमसंग गैलेक्सी S20 लाइनअप जो है वो दोस्तों अभी इंडिया में कुछ क्रेजी डील्स लेके आए हैं अपने साथ में, जहां पे गैलेक्सी बर्ड्स प्लस जो है वो आपको मिल सकते हैं सिर्फ 1999 रुपए की कीमत में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह हैं, और इनफैक्ट आपके फोन के प्रोडक्शन को लेके भी कुछ ऑफर्स हैं। तो बेसिकली सैमसंग के हिसाब से करीब 15,000 रुपए तक का फायदा उठा सकते हैं अगर आप अभी लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी S20, S20 प्लस या फिर S20 अल्ट्रा। बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे अगले अपडेट को लेके। तो Vivo Apex दोस्तों जो फोन है जो लॉन्च मतलब होने ही वाला है, वो अपने साथ में यार एक मतलब बहुत ही कमाल फीचर लेके आएगा, जहां पे हम बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए मतलब 60W की वायरलेस चार्जिंग के बारे में। कितना तेजी से भैया फोन को चार्ज करेगा सिस्टम खैर मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा इसका एक बहुत ही क्रेजी सा कैमरा होने वाला है, कुछ मतलब प्रिज्म वगैरह लगा के, और मतलब कुछ एकदम अलग ही स्टाइल का कैमरा जो है वीवो करने वाला है अपना इसी फोन में। हिसाब किताब अभी मतलब क्या एग्जैक्टली होगा वो हम देखते हैं, और ऐसे में क्या ये फोन रियलिटी में आएगा या नहीं, या फिर इस साल भी एक कॉन्सेप्ट फोन रहेगा, देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है फ्यूचर वीवो एपिक्स का। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास मीडियाटेक के हेलियो P95 को लेके। यहाँ पे भैया को अनाउंस कर दिया है मेडिटेक ने, जहां पे एपीयू 2.0 है, पावर वीआर जीपीयू वगैरह है, मतलब वैसे में ये एक इंप्रूवमेंट है दोस्तों मेडिटेक की तरफ से, नया प्रोसेसर आया है P95। अभी खैर किसी ने ये नहीं बोला है कि भैया हमारे फोन में सबसे पहले हम इसको लेके आएंगे, बाकी खैर अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि ये बजट रेंज के या मतलब शुरुआती दोस्तों जो होता है भैया अपना एक बस थोड़ा सा प्रीमियम बजट उस रेंज में शायद देखने को मिले। देखते हैं आखिर कि वो रियलमी है या रेडमी है, कोई दूसरा ब्रांड है जो लेके आता है सबसे पहले इसी पे बेस्ड कोई स्मार्टफोन। अगला अपडेट निकल के आता है
यहाँ पे भैया Realme X50 Pro नहीं X50 5G के मास्टर एडिशन को लेके, जहाँ पे दोस्तों ये अभी 8 मार्च से सेल पे जाने वाला है चाइना में। 3,099 युआन की इसकी कीमत है, यानी करीब करीब 31,000 रुपए के आसपास। जहाँ पे भैया डिजाइन थोड़ा सा मतलब डिफरेंट सा है, और यहाँ पे दोस्तों स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर लगा है, और ये एक 5G स्मार्टफोन है। इंडिया में अभी रियलमी इसको लेके आया नहीं है, क्या पता इसको भी जल्दी लेके आ जाए, और ऐसे में जब लेके आएगा तो देखते हैं फिर किस कीमत पे इसको लॉन्च करता है। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है भैया टिकटॉक को लेके, और रेडिट के दोस्तों जो सीईओ हैं यहाँ पे स्टीव हफमैन, उन्होंने बोला है कि टिकटॉक बेसिकली एक फंडामेंटली पैरासाइट एप्लीकेशन है, और बोलते हैं कि मतलब एक्टिवली लोगों को बताओ कि भैया इसको यूज़ ना करें, इसको इंस्टॉल ना करें। खैर मैंने तो आज तक इंस्टॉल किया नहीं है, मैं सोच रहा हूँ करूँ या ना करूँ, या खैर जो भी है आप दोस्तों बताइए कि क्या है आपके मन के विचार टिकटॉक को लेके, क्या आप इसको सही मानते हैं, क्या आप इसको सही नहीं मानते हैं, मन की बातें क्या है नीचे थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है भैया Redmi Note 9 को लेके एकदम गर्मा गर्म न्यूज, जहाँ पे ये फोटो दोस्तों निकल के आई है सामने, और ऐसे में खैर मालूम तो नहीं है कि क्या वो यही है या नहीं, लेकिन लगता है कि ये एक लाइव फोटो हो सकती है Redmi Note 9 स्मार्टफोन की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे भी होने वाला है प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 720G। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो नेविक का सपोर्ट है वो भी हमको मिलेगा इसी अपकमिंग Redmi के फोन में। अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि Redmi Note 9 और Note 9 Pro जो है वो आखिर कब तक आते हैं, लेकिन लगता कुछ ऐसे दोस्तों की जो Poco X2 हम देख रहे हैं उसी में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन से किए जाएंगे, और हमको मिलेगा Redmi Note 9 वाला स्मार्टफोन और Note 9 Pro भी 15,000 के आसपास की रेंज का होगा, स्नैपड्रैगन 720G भी होगा। देखते हैं कि बाकी डिटेल्स क्या निकल के आती हैं, और आखिर क्या होता है स्पेशल मसाला इसी Redmi Note 9 और Note 9 Pro में। लेकिन इतना तो खैर आप ऑब्वियसली समझ लीजिए कि यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा होने वाला है। डिस्प्ले जो दोस्तों फ्रंट वाला वो शायद पंच होल वाला होगा अभी इसी Redmi Note 9 लाइनअप का। आप क्या गेस करते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेके, तो ऐसे में Realme X50 Pro 5G जो है वो दोस्तों आता है नेविक सपोर्ट के साथ में। यहाँ पर दोस्तों Realme ने इसको ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, तो बेसिकली ये फोन जो है बन जाता है दुनिया का पहला स्मार्टफोन जिसमें हमको मिलता है सपोर्ट इसरो के नेविक नेविगेशन सिस्टम का। तो अभी जो हम बात कर रहे थे Redmi के फोन की, तो मतलब वो आएगा अभी के लिए दोस्तों जो एग्जिस्टिंग फोन्स हैं उनमें से पहला फोन, इकलौता फोन यही है Realme का X50 Pro 5G जिसमें हमको मिलता है नेविक का सपोर्ट। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं अगली खबर को लेके, तो भैया Realme जो है वो इस साल बहुत गरम गरम चीजें जो है वो लेके आने वाला है मार्केट में, जहां वो दोस्तों बात कर रहे हैं कि 2020 में 5 से ज्यादा 5G स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 20 जो हैं करीब होंगे IoT प्रोडक्ट्स 2020 में। अभी ऐसे में फिटनेस बैंड, स्मार्ट वॉच, TV या स्पीकर या ईयरफोन, मतलब दोस्तों एग्जैक्टली क्या क्या Realme नया लॉन्च करता है, और वो 5 या 5 से ज्यादा जो है 5G स्मार्टफोन्स की बात चल रही है 2020 में वो आखिर कौन से होते हैं, और क्या पता 15,000 के आसपास 20,000 के आसपास भी हमको कोई 5G फोन देखने को मिल ही जाए। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेके, तो वीवो की वॉच जो है भैया उसको स्पॉट किया गया है इंडिया में और यूरोपियन ट्रेडमार्क साइट्स पे, जहां पर दोस्तों लगता है कि शायद बहुत जल्दी लॉन्च हो सकती है। मैं आपको पहले ही बता ही रहा था कि मतलब इस साल जितने भी ब्रांड्स हैं सभी के सभी अपने अपने स्मार्ट वॉचेस लेके आने वाले हैं। देखते हैं एग्जैक्टली कि जो वीवो की वॉच है ये अपने साथ में क्या कुछ नए फीचर्स लेके आती है। यहाँ पे यार दोस्तों लास्ट अपडेट निकलता है LG के V60 ThinQ 5G स्मार्टफोन को लेके। LG ने इसको लॉन्च कर दिया है, लेकिन ज़्यादा कुछ खैर फर्क पड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज LG का दोस्तों हमेशा से ऐसे मामला रहता है। यहाँ पे ये एकदम एक फ्लैगशिप फोन है, 5,000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, स्नैपड्रैगन 865 को लेके, 6.8 इंच का दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले है, ऐसे में छोटी सी नॉच है, 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप है जो कि आता है ट्रिपल कैमरा के साथ में, और ऐसे में सेल्फी कैमरा है 10 मेगापिक्सल का, साथ में दोस्तों वो कवर भी है एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले के लिए। अब फोन तो खैर अच्छा है LG का, लेकिन क्या करें LG जो है वो इसको ठीक से मार्केट नहीं कर पाता है, लोगों को इतनी परवाह होती नहीं है। कि आपको LG की परवाह है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।